अब यह अभ्यास है बैठने वाले में चौथा क्रम हिस्सा वक्र आसन का। अब शरीर को सीधा रखते हैं, अब दाहिना पैर को मोड़ते हैं, दाहिने पैर को, बायां पैर सीधा है। अब जो पैर मोड़े हैं, दाहिना पैर को मोड़ा है तो दाहिना हाथ पीछे गया कमर की तरफ, मुड़ी है, मुड़ी। अब बाएं हाथ को सीने की तरफ से घुसाते हैं, देखे, और ये केहुनी को घुटने पे रखा और यहीं से पेट को मरोड़ा, और ये बायां हाथ आपका बाएं घुटने को पकड़ा। अब ये पीछे की तरफ देख रहे हैं और ये दोनों कंधा बिल्कुल सीध में हो, पीछे की तरफ देखना। अब इस पैर को सीधा किया, अब बाएं पैर को मोड़ा, अब इस पैर को मोड़ा हमने बाएं पैर को तो बायां हाथ पीछे ले गया। अब दाहिने हाथ को केहुनी को लाया घुटने पर, अब यहाँ से पेट को मरोड़ते हैं कपड़े की तरफ। अब ये हाथ से ये पकड़ लिया ऐसे, अब ये पीछे की तरफ देखा है, दोनों कंधा पैर की सीध में हो जाता है। अब धीरे धीरे वापस आ गए। यह वक्र आसन का लाभ है कि पेट की चर्बी को कम करेगा, ये हमारे अमाशय को, ये हमारे अग्नाशय को, ये हमारे पित्ताशय को, ये हमारे किडनी को, सभी प्रकार के अंगों को बहुत ही एक्टिवेट करने का एक सहज अभ्यास है। और यह अभ्यास करने से मधुमेह में भी शुगर में भी अत्यंत लाभ मिलता है, कमर दर्द के लिए भी बहुत ही लाभकारी अभ्यास है यह वक्रासन। और ऐसा करने से कमर पतला होता है, पेट की चर्बी घटने से पेट के ऊपर की चमड़ी पतली हो जाती है, और पतला होने से हमारा पेट हमेशा ठीक रहता है, और कभी हम इन सारे अंगों से होने वाले कोई बीमारी से हम ग्रसित नहीं होते। इसलिए वक्र आसन का अभ्यास हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी है।